हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्या एंटी एचआईवी ड्रग्स कोविड-19 को ट्रीट कर सकता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। प्रेजेंट केसेस और ट्रीटमेंट क्या चल रहे हैं, हमारा कोरोना वायरस और एचआईवी क्या सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये किस टाइप के वायरसेस हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंटी एचआईवी ड्रग्स और सार्क और एमईआरएस में क्या रिलेशन है, कोविड-19 के साथ उसका क्या रिलेशन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या इसमें एक्शन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रोटोकॉल जारी किया है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंटी एचआईवी ड्रग्स है क्या। एंटी एचआईवी ड्रग्स है एक रेट्रोवायरल ड्रग है। मेन चीज़ है कि जो जितने भी रेट्रोवायरसेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उनको रेट्रोवायरल ड्रग्स कहा जाता है। अब इसमें हमारे एचआईवी के ट्रीटमेंट में हमारे पास दो मेडिसिन जो यूज की जाती हैं वो हैं आपकी लोपिनावीर एंड रिटोनावीर। दीज आर द टू मेडिसिन जो हमारे एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर मैं आपके सामने बात करूं प्रेजेंट में केसेस और ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या हुआ कि एक केस जयपुर से है और दो केसेस हमारे गुड़गांव से हैं। जब क्या हुआ, जो पर्सन कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे उन पे इन दो ड्रग्स का क्या हुआ, साथ में सिम्बायोटिक बना के रिलेशन इनको खिलाया गया तो वो इससे ट्रीट हो गए और टेस्ट में निगेटिव आए। अब मैं बात करता हूँ आपके कोरोना वायरस और एचआईवी में रिलेशन क्यों है, क्या है, और दोनों एंटी एचआईवी ड्रग्स यूज की जा रही है। जो कोरोना वायरस अगर गाइस हम देखें तो कोरोना वायरस है और एचआईवी जो ड्रग है, एचआईवी है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो दोनों क्या हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ रेट्रो वायरस फैमिली। अगर आप रेट्रो वायरस फैमिली के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हमारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखें और आप पूरा उसमें डिटेल एनालिसिस करा है रेट्रो वायरस फैमिली क्या होती है। सिमिलरली क्या है गाइस, दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करने के साथ साथ क्या हुआ कि जो हमारा एसएआर सार्स है और एमईआरएस, ये भी कोरोना वायरस की फैमिली से ही हैं। सार्क का फुल फॉर्म आपका था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आपके बारे में पहले सुनाई होगा, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आए थे पिछले सालों तक, लास्ट ईयर में। और एमईआरएस में जो है ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। कोविड-19 और सार्क और एमईआरएस ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं और इसमें एचआईवी एडिशन अगर में आ जाता है तो क्या हुआ, जो ये ड्रग है एंटी जो एचआईवी ड्रग है वो सार्क और एमईआरएस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुए, उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। तो प्रेजेंट में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो एंटी एचआईवी ड्रग्स को यूज कर रही हैं, दोनों ड्रग्स को मिला के तोड़ के बना के दे रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे केस कहीं पर ट्रीटमेंट है। बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि अभी तक कोई इसमें अच्छे से रिसर्च नहीं हो पाई है, कोई ये नहीं पता कि क्या इसमें निगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं बॉडी पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ड्रग्स का कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइस तभी ये हॉल्ट पे रखा हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या इसमें प्रोटोकॉल जारी किया है, देखिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने ये प्रोटोकॉल जारी किया है कि इस मेडिसिन को आप तभी यूज करें जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वाले हैं, एजेंट्स हैं, हॉस्पिटल से उन्होंने कहा है कि आप इस सिर्फ ड्रग को एक्यूट एमरजेंसी केस में ही यूज करेंगे, जबकि पेशेंट की डेथ होने वाली हो या ही इज़ प्रोन टू डेथ, तो उसी केस में आपको इस मेडिसिन को यूज करेंगे, अन्यथा इस मेडिसिन को आपको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही गाइस नई कोई अपडेट आता है कोविड-19 से रिलेटेड, कोई ट्रीटमेंट नया आता है तो आपको मैं जल्दी से जल्दी अपडेट करवाऊंगा। और आपको पता ही है कि कोविड-19 से लड़ना कहाँ कैसे है, आपको मैंने उसके बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में बता रखा है कि कैसे आप कोविड-19 के कारण बच सकते हैं, तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।